लेकिन एक बात आप लोगों को बताता हूँ कि जब से मेरा जॉब हुआ है यानी 6 साल हो गया, मैं किसी साल नहीं रहा हूँ यहाँ आम खाने के सीजन में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को अपना घर दिखाने जा रहा हूँ, और मैं अभी अपना घर भी बनवा रहा हूँ, वो घर मैं दिखाऊंगा। और अभी पूरा तरह से फाइनल नहीं हुआ है, और फाइनल होने के बाद भी आप लोगों को दिखाऊंगा। बट अभी जो जितना घर बना है उतना ही मैं बताता हूँ, मेरा ओल्ड घर भी देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कैसा है मेरा घर। दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये रोड है और रोड के बगल में ही हमारा ये घर है। तो इधर आप लोग एक घर देख सकते हैं, एक झोपड़ी जैसा एक घर है। तो ये घर जो है इसमें छाटी काटने वाला मशीन है, और उसमें गाय को खिलाने का कुछ चारा है। बट इसको अभी निकाल दिया जाएगा, जब मेरा ये घर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इधर आते हैं। पहले एक एक दुकान है जिसको मैं बहुत 10 साल पहले चलाया करता था। उसके बाद दोस्तों ये है घर, इस घर में हम लोग रहा करते थे। उसके बाद यहाँ पर ये घर है। ये घर में कुछ दिखाने लायक है नहीं, पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरा ओल्ड घर किस प्रकार का है। यहाँ पर एक ट्रैक्टर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये मेरा ओल्ड घर है। इस ओल्ड घर में रहते थे हम लोग। उधर लास्ट तक जाएंगे तो लास्ट में एक बाथरूम बनाया गया है, और ये इधर एक टेलर है। उसके बाद ये सब जगह खाली रहता है। अब चलिए हम लोग जो घर बन रहा है उस घर को दिखाते हैं। यहाँ पर मेरी एक बच्ची है और एक मेरा बेटा है, वो दोनों लोग यहाँ पे खेल रहा है। लो क्या कर रही हो नैन्सी? ओए नैन्सी क्या कर रही हो? उज्जवल क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर हम एंट्री करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग एंट्री करते हैं। ये मेरे बड़े भैया हैं, हम लोग दो भाई हैं, और ये घर पे रहते हैं। घर पे ट्रैक्टर वगैरह जितना भी खेती काम है यही देखते हैं। अब हम लोग एंट्री करते हैं अंदर। तो एंट्री करते हैं तो कुल इसमें 4 रूम है टोटल, जिसमें एक मेरा रूम है, एक भैया का रूम है, और एक पिताजी का रूम है। तो पहले ए रूम दिखाते हैं। इस रूम में पिताजी रहते हैं। दिखाइए, पिताजी कुछ काम कर रहे हैं इसमें, वो पिताजी मेरे हैं। पिताजी देखिए इधर, और इधर ये कृष्ण भगवान का पूजा करते हैं। तो इधर ही अंदर इधर चलिए। यहाँ बेसिकली दोस्तों यहाँ पर खाली रखा गया है बरामदा के जैसा। अब आइए अंदर। इधर 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 जैसे कि इधर एक किचन रूम है, एक किचन रूम है, और इधर देखिए पूरा सामान बिखरा हुआ है। क्योंकि रात में बारिश हो रहा था तो छत पे जितना भी कपड़ा था उसको हम लोग इधर डाल दिए रात में। और इधर ये पूरा सामान ही समझिए अभी तक कोई नहीं रह रहा है, ऐसे ही सामान रखा हुआ है। अभी दोस्तों हम इसका प्लास्टर वगैरह नहीं कराए हैं, इनकम्प्लीट रखे हैं, क्योंकि अभी तक इसमें जितना 10 लाख रुपये लग गया लगभग। तो अभी कुछ हम स्टे करना चाहते हैं, कुछ देर रुकने के बाद यानी 1 साल या 1.5 साल रुकेंगे, उसके बाद फिर से इसमें एक बार और लगेंगे तो अच्छी तरह से इसमें पूरा कार्य करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद भी एक वीडियो हम बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह का ये रूम बना है। उसके बाद एक यहाँ पे सीढ़ी है, उस सीढ़ी ऊपर जाता है। पहले हम भैया का घर देख लेते हैं। ये भैया का रूम है, मेरे भैया का रूम है। उसके बाद हमारे भैया का बड़ा बेटा जो 10th क्लास में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, विशाल एक बार देख लीजिए इधर। हाय बोलिए। हाय। चलिए अभी चलिए हम अपना रूम दिखाते हैं, मेरा रूम कौन सा है। ए वीडियो बन रहा है। ये हमारा रूम है, और इस रूम में हम रहते हैं, और ये भी इनकम्प्लीट है, यानी पूरा सब इनकम्प्लीट है। अभी सब कुछ प्लास्टर वगैरह बहुत सारा काम इसमें बाकी है, वायरिंग का भी काम बाकी है, विंडो वगैरह भी लगाना है। उसके बाद इधर मैं परिचय देना चाहता हूँ, ये कौन कौन है। तो हमारी ये पत्नी है,
उसके बाद दीदी है और ये भाभी जी हमारी। अब हमारा रूम देख लिए, चलिए अब चलते हैं उधर। ए इधर यहाँ क्या रखा है, इधर देखिए बैक साइड में यहाँ पे बाथरूम बनवाना है। यहाँ पे एक चापाकल है और उसमें मोटर भी लगाया गया है। यहाँ बेसिकली पीछे जो जगह है बहुत ज़्यादा हम लोग का है। यहाँ पूरा ज़मीन 2.5 कट्ठा है, तो 2.5 कट्ठा पूरा ज़मीन यहाँ पर है, तो ज़मीन वैसे तो बहुत ज़्यादा है। अब चलिए हम लोग छत पर चलते हैं, छत पर से भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए छत पर चलते हैं और छत पर का भी सीन दिखाते हैं आप लोगों को। आइए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तो आज हम अल्वेस्टर लाने जा रहे हैं और यहाँ पे अल्वेस्टर डालना है। तो ये रहा छत, छत हमारा इस तरह से दिखता है। अभी आप पूरा दिखा दीजिए। अभी इस तरह का चारों तरफ से रेलिंग बनवाना है, अभी पूरा रेलिंग नहीं बना है। अब इधर तो अभी आप लोग को मैं नीचे जो दिखाया हूँ, तो नीचे देख लीजिए इस तरह से। नीचे से यहाँ से हम लोग आए हैं, यहाँ से हम लोग आए हैं और उधर बाइक वगैरह सब लगा हुआ है। उसके बाद ये घर है, एक खेपड़ेल का घर है, आप लोग को मैं ये घर दिखाया हूँ। इधर भी मैं आप लोगों को दिखाया हूँ, ये घर भी आप लोगों को मैं दिखाया हूँ। इधर जो इधर एक ट्रैक्टर लगा हुआ है इस घर में, पहले भैया का घर हुआ करता था, उसके बगल में हमारा घर हुआ करता था। और 10 अगस्त को हम लोग इस घर में एंट्री किए हैं, क्योंकि वो रहने लायक नहीं था और सोच रहे हैं कि 1 साल के बाद इस घर को पूरा, जो अभी ये घर बन रहा है, मकान जो बन रहा है, इसको पूरी तरह से कम्प्लीट किया जाए। देख लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आम का पेड़ है पीछे। लेकिन एक बात आप लोगों को बताता हूँ कि जब से मेरा जॉब हुआ है, यानी 6 साल हो गया, मैं किसी साल नहीं रहा हूँ यहाँ आम खाने के सीज़न में। आम खाने के सीज़न में के बाद आता हूँ या उसके पहले जा के चला जाता हूँ। तो 6 साल से समझिए कि ये आम मैं नहीं खा पाया हूँ, बट मेरे घर के लोग तो खा रहे ना, कोई बात नहीं। चलिए अब नीचे चलते हैं। ये रहा दोस्तों मेरे घर का वीडियो। घर तो अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है। जब पूरी तरह से ये कम्प्लीट हो जाएगा तो ही घर अच्छा लगेगा। फिर भी आप लोग जैसा भी लगे आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरा घर आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।